हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब जो हम थ्योरम पढ़नी है वो है एवरी लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज आल्सो ए ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फ्रेंड, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें लोकल ऑप्टिमल एवं ग्लोबल ऑप्टिमल के लिए हमें जानना होगा। फिर सबसे पहले हम देख इसको करते हैं, एलपीपी मान लेते हैं, मैक्स जेड बराबर सी टी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स बराबर बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे लोकल ऑप्टिमल और ग्लोबल ऑप्टिमल में अंतर क्या होता है? लोकल ऑप्टिमल होता है, लोकल ऑप्टिमल होता है सी टी एक्स ग्रेटर देन, अगर एक्स बार कोई उसका पॉइंट है तो सी टी एक्स स्टार, अगर एक्स बार इसका कोई पॉइंट है तो जो एक्स बार के जो नेबरहुड में आएगा, कोई नेबरहुड ऑफ एक्स बार के जो पॉइंट में होंगे वो एक्स स्टार इस पॉइंट में होंगे, उसके लिए सभी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। लेकिन वो नेबरहुड के बाहर ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी जरूरी नहीं है, मतलब कि हमारे पास कोई ग्लोबल ऑफ इस तरह से ये पॉइंट है यहाँ पे, तो ये इसका नेबरहुड है और ये पॉइंट है, ये अपने पास एक्स बार है, ये एक्स बार है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई ओनली इस उसके एक नेबर हो रहा है उसमें सेटिस्फाई कर रही है, उसके बाहर जो पॉइंट है उन पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इस तरह के जो पॉइंट होंगे उनको हम कहते हैं लोकल ऑप्टिमल, और बाकी के पॉइंट और ग्लोबल ऑप्टिमल होता है कि जो कि पूरे सेट में एस में ग्लोबल हो, सबसे बड़ी हो। यहाँ हमने मैक्स माना है तो इसको कंडीशन को मैक्सिमम जेड होगा वो सबसे बड़ी होगी। हमने ये मान लिया कि एस टी, अब हमें शो करना है कि जो ये लोकल ऑप्टिमल है यही ग्लोबल ऑप्टिमल होगा। हमारे पास ये एलपीपी में यही जो लोकल ऑप्टिमल माना है हमें, यही ग्लोबल ऑप्टिमल होगा, हमें ये शो करना है। अब फ्रेंड्स, हमने ये मान लिया तो लेट एक्स बार बी आर लोकल ऑप्टिमल पॉइंट, ऑफ आर एलपीपी। हमने ये मान लिया जो एक्स बार है वो लोकल लोकल ऑप्टिमल पॉइंट है एलपीपी का, सो ये होगा मैक्सिमम जेड बराबर सी टी एक्स बार, सी टी एक्स बार या सी टी एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू सी टी एक्स स्टार, और एक्स स्टार जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेबरहुड ऑफ एक्स बार में बिलोंग कर रहा है, ये हमने मान लिया। अब फिर हमें ये शो करना है कि कोई पॉइंट अगर हम इसके बाहर का पॉइंट लें, एक पॉइंट हम इसके बाहर का ले लें, नेबरहुड के बाहर का पॉइंट ले लिया एक्स थ्री, वहाँ पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यानी वहाँ पर भी सी टी एक्स बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी टी एक्स थ्री होगा। हमें ये शो करना है, लेट एक्स थ्री इज पॉइंट विच इज आउटसाइड ऑफ नेबरहुड ऑफ एक्स बार। हमने ये मान लिया कि कोई एक्स थ्री जो पॉइंट है वो इसके नेबरहुड से बाहर पॉइंट है, और हमने मान लिया साथ ही लेट एक्स वन इज अनोदर पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ एक्स बार। हमने फ्रेंड्स एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे मान लिया, जिस तरह से इसको एक्स थ्री को यहाँ माना है तो इसको एक्स टू को यहाँ मान लिया, इस तरह से हमने पॉइंट मान लिया, या एक्स टू को इस तरह से माना है कि हमने जो एक्स थ्री को किसी लेमड़ा की एक फिक्स वैल्यू के लिए हम एक्स बार को हम लिख सकते हैं लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स थ्री, ये हमने मान लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक्स थ्री को यहाँ पर लिया है तो एक्स थ्री को इस तरह से लिख सकते हैं, तो किसी लेमड़ा की वैल्यू के लिए हमारे पास ये इसकी शो कर सकते हैं हमने, तो हमने इस तरह से लिख लिया लैम्डा ही किसी फिक्स वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब फिर से हमें शो करना है कि सी टी एक्स थ्री हमें शो करना है वो है सी टी एक्स थ्री इज लेस देन और इक्वल टू सी टी एक्स बार, हमें ये शो करना है। फ्रेंड्स, अब ये शो करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम दोनों तरफ सी टी का मल्टीप्लाई कर लें, सी टी का मल्टीप्लाई कर लें, इससे ये हो जाएगा हमारे पास सी टी एक्स बार इक्वल टू सी टी लैम्ब्डा, कॉन्स्टेंट है तो बाहर ला सकते हैं उसको, एक्स वन प्लस
वन माइनस लेमड़ा सी टी एक्स थ्री। अब फ्रेंड्स इस सी टी एक्स थ्री को हम यहीं पे रखते हैं और लेमड़ा सी टी एक्स वन को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये रहे वन माइनस लेमड़ा सी टी एक्स थ्री इक्वल टू, ये इसको हमने इसी साइड में रखा है सी टी एक्स बार माइनस, ये इधर आया तो माइनस हो गया लेमड़ा सी टी एक्स वन। अब फ्रेंड्स सी टी एक्स थ्री का अगर हम डिवाइड वन माइनस लेमड़ा को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा सी टी एक्स वन बार अपॉन वन माइनस लेमड़ा माइनस लेमड़ा सी टी एक्स वन अपॉन वन माइनस लेमड़ा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने साथ ही ये भी लिया है कि एक्स एक्स जो है वो पॉइंट एक्स वन इक्वल नॉट एक्स टू एंड एक्स थ्री इक्वल नॉट सॉरी एक्स बार और एक्स थ्री इक्वल नॉट एक्स बार, जिससे हमारे पास लेमड़ा वन माइनस लेमड़ा की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ये हो गया हमारे पास। अब फिर से हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन क्या है, सी टी एक्स बार इज ग्रेटर देन सी टी एक्स स्टार, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं जो एक्स एक्स टू माना है हमने इसके अंदर माना है तो उसके लिए इसके हमने एक्स टू को अंदर माना है, या तो सॉरी एक्स वन को इसके अंदर माना है, यहाँ पे एक्स वन को अंदर मान के चले हम, तो एक्स वन के अंदर जो ये हो जाएगा सी टी एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू सी टी एक्स वन सॉरी सी टी एक्स वन ये हो जाएगा। तो फिर से ये हो जाएगा सी टी एक्स थ्री। अब यहाँ पे हमें सी टी एक्स एक्स बार से रिप्लेस करना है, मतलब कि हमें बड़ी संख्या लिखनी है यहाँ पे, इधर हमें बड़ी संख्या लिखनी है, तो ये फ्रेंड्स ये हो जाएगा अपने पास, क्योंकि ये बड़ी संख्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे तो हम यहाँ मतलब ये बड़ी संख्या घटा रहे हैं, इसमें से माइनस कर रहे हैं बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगा सी टी एक्स बार बटे वन माइनस लेमड़ा, हमने बड़ी संख्या को हमने माइनस किया है तो ये हो जाएगा माइनस लेमड़ा सी टी